मैं आप लोगों के साथ नवरात्र के लिए एक व्रत की थाली शेयर करूंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने में आपको आधे घंटे से भी कम टाइम लगेगा, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आप ये सारी चीज़ें नवरात्र व्रत में नहीं खाते हैं, तो प्लीज़ ना बनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले मैं बनाऊंगी लौकी का हलवा। लौकी का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधी मीडियम साइज़ की लौकी ली है, जिसे मैं ग्रेट कर लूँगी। ग्रेट करने के बाद हमारी लौकी इतनी है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी चीनी ली है, 8-10 बादाम लिए हैं जिन्हें मैंने कट कर लिया है, आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर, 1 बड़ा चम्मच घी और 1/2 लीटर टोंड मिल्क लिया है। अगर आप फुल क्रीम दूध यूज़ करें तो आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर घी डाला है, और घी जब हमारा पिघल गया है तो मैंने यहाँ पर लौकी को डालकर 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए इसे फ्राई करेंगे। तो अभी मैं इसमें दूध डालूँगी। दूध डालने के बाद बीच बीच में चलाते रहेंगे। यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम कर दी है, और अभी हमारा जो दूध है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है और लौकी भी थोड़ी सी पक गई है। जब भी आप लौकी का हलवा बनाएं, इसे चलाते ज़रूर रहें, क्योंकि ये नीचे से जल जाता है। तो यहाँ पर जो दूध है वो हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, और जो लौकी थी वो भी पक गई है। तो इस कंडीशन में आप बराबर चलाते रहें, क्यों जिससे कि ये लगे ना नीचे। तो मैंने यहाँ पर अब चीनी डाल दी है। चीनी डालने के बाद जो हलवा है थोड़ा सा पतला हो गया है। तो अभी अब मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर और बादाम भी डाल दिया है, और अब मैं हलवा को बराबर चलाते हुए गाढ़ा होने तक बनाऊंगी। तो अब हमारा हलवा बनकर तैयार है। ये हलवा खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना था। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। अब मैं बनाऊंगी व्रत वाले टमाटर आलू की सब्ज़ी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 बड़ा टमाटर लिया है, जिसे मैंने काट लिया है, 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1 हरा मिर्च और नमक स्वाद के अनुसार। सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है और 1 चम्मच घी डाला है। जब घी हमारा गर्म हो गया तो मैंने यहाँ पर जीरा और हरी मिर्च डाला है और इसे भून लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर डाले हैं और टमाटर को अच्छे से मिला दिया है। टमाटर को डालने के 1 मिनट बाद मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है, जिससे कि जो हमारे टमाटर हैं वो जल्दी ही पक जाएं। तो अभी जो हमारे टमाटर हैं वो आधे पक गए हैं, थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन हम इन्हें अभी थोड़ा सा और पकाएंगे। जब टमाटर हमारे अच्छे से पक जाएंगे तो हम चमचे की हेल्प से इन्हें थोड़ा सा मैश कर देंगे। और अब मैंने यहाँ पर आलू डाल दिया है और आलू को अच्छे से मिक्स कर दिया है। मैंने यहाँ पर 1/2 ग्लास जो पानी लिया था वो भी डाल दिया है, और इसमें एक उबाल आने तक पकाएंगे। इसके बाद मैंने 1-2 आलू को बिल्कुल मैश कर दिया है, जिससे जो हमारी सब्ज़ी है वो गाढ़ी हो जाए। तो अभी हमारी टमाटर आलू की सब्ज़ी तैयार है। मैंने यहाँ पर हरे धनिया को डालकर इसे गार्निश कर दिया है। अब मैं बनाऊंगी व्रत वाली आलू जीरा की सब्जी। तो आलू जीरा की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच जीरा, 1 हरा मिर्च, 3 मीडियम साइज़ के आलू जिन्हें मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। मैंने यहाँ पर कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है, और मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घी डाला है। जब घी हमारा गर्म हो गया तो मैंने इसमें हरी मिर्च और जीरा डाल दिया है। जब हरी मिर्च और जीरा अच्छे से भुन गए तो मैंने यहाँ पर आलू डाला है। आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और यहाँ पर मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक को डालने के बाद हम 4 से 5 मिनट तक आलू को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे आलू फ्राई हो गए हैं। मैंने इसमें धनिया की पत्ती डाल दी है। तो यहाँ पर हमारे व्रत के जीरा आलू की सब्जी बनकर तैयार है। अब मैं बनाऊंगी सिंघाड़े की पूड़ी। सिंघाड़े की पूड़ी बनाने के लिए आपको आलू और आटे की क्वांटिटी बराबर बराबर लेनी है।
तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा आलू लिया था जिसे मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया था। आप जब भी आलू को मैश करें उसमें एक भी टुकड़े ना रहें, नहीं तो आपकी पूरी फट सकती है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आटा डालते हुए मिला के एक सॉफ्ट डो तैयार कर लूँगी। मैंने यहाँ पर पानी का यूज़ नहीं किया है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ये सूखा लगे तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसकी छोटी छोटी लोई बना ली है। अब मैं थोड़ा सा घी लगाकर इसको हल्के हाथ से बेलूंगी। आप जब भी सिंगाड़े की पूड़ी बनाएं इन्हें ज़्यादा बड़ा ना बेलें। इसके बाद मैंने कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया और घी जो है हमारा गर्म हो गया है, तो मैंने यहाँ पर पूड़ी को मीडियम फ्लेम तक दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। इसी तरह से मैं सारी पूड़ियाँ बना लूँगी। तो यहाँ पर हमारी सिंगाड़े की पूड़ी बनकर तैयार है। अब मैं बनाऊंगी खीरे का रायता। खीरे का रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक खीरे को ग्रेट कर लिया है। मैंने यहाँ पर आधी कटोरी दही, थोड़ा पानी और आधा छोटे चम्मच नमक लिया है। तो सबसे पहले हम दही को खीरे में मिक्स करेंगे। ये मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा पानी डाला है। तो अभी मैंने यहाँ पर थोड़ा नमक डाल दिया है। इसके बाद मैंने एक चमचे में थोड़ा सा घी गरम किया है और मैंने इसमें जीरा डाला है। इसका तड़का मैं खीरे में लगा दूंगी। तो अभी जो हमारा खीरे का रायता है वो बनकर तैयार है।